ये केस 2020 के आसपास का है, किसी मंथ के आसपास का है। तो जब पहली बार कंप्लेंट हुआ तो इसमें सरकार ने स्टिल SIC को कंप्लेंट किया गया, इसको लास्ट में अराउंड उसके ऊपर FIR लॉन्च किया है और उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जा रही है। MLA साहब का स्टेटमेंट वायरल हुआ है तो उसके हिसाब से अभी इसको जितना तवज्जो मिलना चाहिए हम लोग देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एलिगेशन है किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगेंस्ट सिस्टम में जो भी ऑफिसर लोग हैं, जो स्टाफ लोग हैं, इट्स वेरी सीरियस एंड इसको जो ड्यू अटेंशन ड्यू केयर मिलना चाहिए, आई एम होपफुल कि वो प्रीवियस में भी मिला, आगे भी मिलता रहेगा। रिगार्डिंग के न्यूज़ का जो आर्टिकल है उसको समाओ इस तरह से जानबूझ के नहीं किया होगा, आई एग्री, बट उस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि जो करंट इनकम्बेंट्स हैं उनको भी इस सिस्टम में डाला गया कि इस टाइप का इन्वॉल्वमेंट है, जो थोड़ा कंसर्नफुल है क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को जैसा इंसान होता है वैसे ही दिखना चाहिए। तो जो ऑनेस्टी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं उनका नाम वैसे ही होना चाहिए। तो दोनों प्रेजेंट इनकम्बेंट इंक्लूडिंग मी एंड मेरा जो RWD है, दोनों ने इसको कंसर्न लिया है और इसीलिए आज सुबह एक मीटिंग लिया, बिकॉज ये मैटर रूटीन में चल रहा था, तो वी हैव टेकन द कंसर्न, उसके हिसाब से हम लोगों ने मीटिंग किया और इसके जो फर्दर डिटेल्स हैं इफ़ यू वॉन्ट तो वी कैन शेयर इट ऑल्सो, तो वो शेयर करने के लिए हम लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया आने के लिए। और इसमें जो कार्यवाही की जा रही है वो की जा रही है जैसे भी सिस्टम और नियम कायदे के हिसाब से। सर आपका सिस्टम जो इतना सर स्लो क्यों है, क्योंकि सर एक साल हो गया अभी, आपसे पहले दो DC बदला है, हाल ही में आप तो रिसेंटली आया है सर, ये जो है कमिश्नर वहाँ विजिलेंस में भी सबमिट किया गया है TCACA जो, और सर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेक्रेटरी RW ने भी लेटर को चीफ इंजीनियर को दिया गया था वेस्टर्न जोन। चलिए टू पुट थिंग इन टू परस्पेक्टिव, जैसा हमको बताया गया सुबह मीटिंग में, सब लोगों की जानकारी के लिए शुरू से बता देते हैं कि ये केस 2020 के आसपास का है, किसी मंथ के आसपास का है। तो जब पहली बार कंप्लेंट हुआ तो इसमें सरकार ने FDR के अंदर, फ्लड डिजास्टर रिलीफ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को कुछ फंड दिए थे जो कि DPR के हिसाब से 1.50 crore था, 1.5 crore रुपया, फाइनली DPR के अगेंस्ट 1.10 सेंक्शन किया गया, जिसको भी दो पार्ट में सेंक्शन किया, 60 lakh 650 lakh इसको हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया प्रीवियस टाइम में, और उसको फिर फर्दर रोड की डे टू डे मेंटेनेंस के लिए, जो भी उसमें मेंटेनेंस था उसके लिए इसको फर्दर एलोकेट किया गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो अभी हमारा बात हुआ है RWD डिपार्टमेंट से, उन्होंने बताया कि उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से थिंग्स आर ओके, जो काम हुआ है उसकी सब फोटोग्राफ वगैरह और उसकी डिटेल्स भी हैं, बट हाउएवर स्टिल SIC को कंप्लेंट किया गया इसको लास्ट में अराउंड 12 अप्रैल 2022 को, तो कंप्लेंट किया गया तो SIC ने इसको संज्ञान लेते हुए नोटिस करते हुए उसके ऊपर FIR लॉन्च किया है और उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जा रही है। रिसेंटली SIC ने 14 अक्टूबर को अभी एक लेटर इशू किया जो हमको करीब नवंबर 4 को मिला है, अराउंड 10-20 डेज बाद, उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को बोला है कि आप लोग इसका एक फेयर इंक्वायरी कर लीजिए एंड उसका रिपोर्ट SIC के साथ शेयर करना है। तो इमीडिएटली 4 को मिला तो ऑब्वियसली आई थिंक 5-6 को हमने वो ADC बालीजान के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि टेक्निकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करते हुए जो कार्रवाई की है रिकॉर्ड के हिसाब से और फैक्चुअल्स के हिसाब से वो एक रिपोर्ट बना के उनको प्रेजेंट करें, सो दैट कि हम उसको इफ़ फाउंड करेक्ट जैसे रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको हम फर्दर SIC को हैंड ओवर कर देगा। रिगार्डिंग कि सरकार का सिस्टम स्लो है, ऐसा तो नहीं है, सरकार का एक लेंथी प्रोसेस है वो एक बात सही है, तो उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है उसके हिसाब से कि जितने भी हमारे को जितने पैरामीटर्स है उसके हिसाब से सब किसी को एसेस कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमको अपना एक्टिविटी करना चाहिए। तो कभी कभी देर हो जाता है लेकिन इट्स नॉट जानबूझ के डिले किया जाता है, लेंथी प्रोसेस है और उसकी वजह से कई बार जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उसके लिए हेल्प भी होता है और जो थोड़ा दूसरा ऑफिसर होता है उसको उतना हेल्प भी नहीं मिलता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, उसको मानना सब किसी की जिम्मेदारी और उसी के हिसाब से इंक्वायरी होता है। सर एंटरप्रेन्योर एक्ट 2015 के तहत एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है सर, अब 250 lakh का ऊपर मतलब काम जो होता है विद इन टेरिटरी के अंदर जुरिसडिक्शन में होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ में देखा जाए तो उसमें एलिगेशन ये भी दिया गया है TCACA के तरफ से कि 1 crore जो ये है 10 lakh जो है दोनों वो में ट्रेडिंग लाइसेंस में बता गया, वो भी ट्रेडिंग लाइसेंस में सर, किसी फार्म के थ्रू से काम नहीं किया गया। जितना मेरे को जानकारी है डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, इवन दो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, बट इसमें जो कंडीशन है वो मस्ट कंडीशन नहीं है, इट्स अ मे कंडीशन। तो अगर सिस्टम को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या वर्क्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उसको हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर्स लोग से करा सकते हैं तो उनको एक अथॉरिटी काइंड ऑफ लीवे दिया गया है, बट अगर उनको लगता है कि टेक्निकली डिफरेंट काम है तो वो लोग बाहर से भी लोगों को एंगेज कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि 100% डिस्ट्रिक्ट में ही काम देने से होगा, बिकॉज वो कंडीशन उसमें मे का है, जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट मस्ट का कंडीशन नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में ही देना है। तो डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसका कार्यवाही देख लेगा,
SIC भी देख रहे हैं इस मैटर को, तो ऑब्वियसली इसमें जो करेक्ट चीज़ें होनी चाहिए अगर वैसी नहीं हुई तो जो जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसको ऑब्वियसली पनिश किया जाएगा। सर आप एक IAS ऑफिसर है सर, अभी नए नए आए हैं सर, सर आपको सब उम्मीद कर रहा है कि जिसने एलिगेशन दिया, जिसने कंप्लेंट दिया, उन लोग भी आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही रिपोर्ट आएंगे, लेकिन सर ये जानना चाहता है कि कब तक आएंगे रिपोर्ट, कहीं 5 साल 10 साल तो नहीं लगेंगे? देखिए कब तक आएगा रिपोर्ट उसके लिए सब लोग काम कर रहा है। अभी हमको जैसे मैंने बताया 4 नवंबर को ही मिला है और आज हम लोग 14 नवंबर में हैं और अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी आने का समय है, तो हम लोग थोड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी में बदलती रहती हैं, डेली बेसिस पर बदलती हैं, तो ऑब्वियसली इसको भी बैकफुट पर नहीं दिया जाएगा, जल्दी करेंगे बट टाइम बाउंड तरीके से भी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना, डेवलपमेंट भी देखना और इस टाइप का इंक्वायरी भी देखना है, तो कभी कभी चीज़ें प्रायोरिटाइज में बदलती रहती हैं। 4 नवंबर को जब तक था तो 7 नवंबर को जब CPM साहब का आने का था तो ऑब्वियसली इसको रिटर्नाइज किया गया, बट जैसे 11 को आपने रिपोर्ट किया है और उसमें थोड़ा MLA साहब का स्टेटमेंट वायरल हुआ है तो उसके हिसाब से अभी इसको जितना तवज्जो मिलना चाहिए हम लोग देंगे।